हमारे सनातन धर्म में जब भी हम कोई पूजा करते हैं, जब भी कोई नया कार्य आरंभ करते हैं और ब्राह्मण लोग जब पूजन करने आते हैं तो सबसे पहले स्वस्ति वाचन होता है। स्वस्ति वाचन के बाद गणपति की पूजा से हम आरंभ करते हैं। कोई भी विधि, कोई भी पूजा का आरंभ सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा। तो नई आत्मा का सृजन जब भी होता है, ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि करते हैं, वेद के मंत्रों से उस नई आत्मा का स्वागत होता है और फिर पितरों की पूजा होती है, क्योंकि उनके कुल में बालक आया है ना, तो अब पितर उसको आशीर्वाद दें इसलिए उनकी पूजा होती है। यहां लाला का जातकर्म संस्कार के बाद पितरों की जब पूजा हुई तो ऐसे पितरों की पूजा के अवसर पर नंद बाबा ने 2,00,000 गायों का दान किया। देनु नाम नियुते प्रादाब्धि प्रेभ्यः समलंकृता। नंद बाबा के गौशाला में जो सबसे सुंदर सुंदर गायें थी उन गायों को चुन चुन करके उन गायों का दान किया। जो नंद बाबा को अच्छी लगती है उन गायों का दान किया। यहां दान के विषय में भी मानो इशारा किया कि जो तुम्हें अच्छी लगती हो ना वही दान करो। अब तुम्हें अच्छी ही न लगे वो तुम दान कर दो तो उस दान का कोई महत्व नहीं। जो तुम्हें प्रिय हो उन वस्तुओं का दान करो। हम अपने लिए कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े लेते हैं लेकिन जब किसी पंडित को दान देने की बारी आती है तो ऐसी पतली वाली धोती देते हैं कि बेचारी धोती ही सुसाइड कर लेती एक बार में। दान अच्छी वस्तुओं की करो जो तुम्हें प्रिय हो। स्वयं खाने के लिए हम कितना बढ़िया वाली सुपारी यूज करते हैं और जब पूजा की बारी आती है तो बिल्कुल छोटी वाली सुपारी, नाम ही रख दिया पूजा वाली सुपारी। तो ये सब हमारे मन के जो भाव हैं वो प्रभु को पता है, इसलिए ऐसे दान का कोई महत्व नहीं रह जाता जिस दान में तुम्हारा अपनत्व न हो। आजकल हम डोनेशन भी करना चाहते हैं, दान भी करना चाहते हैं तो हम स्पेशल अलग सी चीजें लेते हैं दान वाली। किसी को भी दो ना, अच्छी वस्तु का दान करो जो तुम्हें प्रिय लगती हो। अपनी चीज यदि आपने दान दे दिया उस दान का महत्व होता है। आप देखो भारत में दक्षिण के तरफ तिरुपति बालाजी के मंदिर में लोग दर्शन करने जाते हैं तो सबसे प्रिय लोगों को क्या होता है, अपना केश। लोग अपना केश उतरवा कर आ जाते हैं, मतलब अपना सौंदर्य किसको नहीं प्रिय है। और सौंदर्य होता है हमारे बालों से, सुंदरता बालों से होती है, तो लोग अपना केश वहां बालाजी के चरणों में चढ़ा देते हैं कि हे मालिक हमने अपना सौंदर्य आपको अर्पित कर दिया, हमने अपनी सुंदरता आपको चढ़ा दी। और केवल पुरुष ही नहीं, माताएं भी अपने केश उतरवा देती हैं वहां। माताओं के सौंदर्य का मूल केश होता है और वो केश मतलब अपना सौंदर्य भगवान को अर्पित करके आती हैं कि हे बालाजी, हे प्रभु, हम अपनी प्रिय चीज आपको अर्पित कर रहे हैं। ऐसे दान का महत्व है जो तुम्हें प्रिय लगती हो। यहां 2,00,000 गायों का दान किया और ऐसी गायें जो बड़ी सुंदर सुंदर गायें थीं।